भी हाजिर है, बरोज हफ्ता रात 8 बजे और बरोज इतवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब नाजरीन, कुछ लम्हे फुर्सत के में आप सभी का खैर मकदम है। देखिए, हर हफ्ते हम आपसे मुलाकात करते हैं, आपको जानकारी फराहम करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं आपके दिल तक पहुंचने की, और यही चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें। नाजरीन, आज का दौर मॉडर्न दौर है और जो घर में रहने वाली ख्वातीन हैं, अक्सर उनके दिल में एक सवाल उठता होगा कि काश घर के काम काज के अलावा कुछ और भी कर लेते तो ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर और खुशनुमा होती। लेकिन ये सोच एक सोच ही बनकर रह जाती है, क्योंकि ये समझ ही नहीं आता कि करें तो आखिर क्या करें, और बस फिर से हम अपने घर के काम काज में उलझ जाते हैं। ऐसा ही होता है ना? देखिए, मैं आपके दिल की बात यहाँ बैठे बैठे जान गई हूँ। तो नाज़रीन, आज हम ऐसे ही मौजू पर बात करेंगे, और बात करेंगे उन ख़वातीन से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने शौक को परवान चढ़ाया है और इसे पैसा कमाने का ज़रिया भी बनाया है। इसी सिलसिले में सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाएंगे वंदना जी से, जो कि डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी हुई हैं। वैसे आज की पूरी दुनिया ही डिजिटल हो चुकी है। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे विजय लक्ष्मी जी के पास, जो रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने काम करना बंद नहीं किया है और एक बहुत ही नेक और बेहतरीन काम को अंजाम दे रही हैं। और इसके बाद हम आपको ले चलेंगे अभिलाषा जी के पास, जिनकी शादी एक ट्रेडिशनल फैमिली में हुई है, लेकिन शादी के बाद भी इन्होंने अपने शौक को और अपनी ख्वाहिश को मरने नहीं दिया है और आज ये बन गई हैं एक बिजनेस वुमेन। तो नाज़रीन, इन सब से करेंगे आज मुलाकात, और इसके लिए हमें आपको लेकर चलना होगा इनके पास। तो चलिए निकलते हैं स्टूडियो से बाहर। नाज़रीन, वक्त तेज़ी के साथ गुजरा भी है और बदला भी है, और इन बदलाव ने इंसानी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक मुतासिर भी किया है। लेकिन एक टेक्नोलॉजी जिसने सबसे ज़्यादा ग्रो किया वो है इंटरनेट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग आखिर है क्या? बहुत से लोग आज भी इसे नहीं जानते हैं। ख़ासतौर से उन ख़वातीन की बात करें जो घर पर रहती हैं, हाउसवाइफ हैं, तो किस तरह से डिजिटलाइजेशन को बना सकती हैं वो आमदनी का बेहतरीन ज़रिया, यही जानने के लिए आज हम आ पहुँचे हैं वंदना जी के पास, जो कि डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी हुई हैं। तो आइए करते हैं उनका खैर मकदम। वंदना जी, जैसे कि मैंने कहा कि आज भी बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर है क्या, तो यही हमारा पहला और अहम सवाल है आपसे। जैसे कि नाम में ही रखा है डिजिटल मार्केटिंग, समय के साथ साथ मार्केटिंग का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। पहले हम देखते थे कि प्रिंट एड्स हैं, हम पेपर्स के थ्रू हमें पता चलता था कि हाँ, ये नया प्रोडक्ट आया है, कंपनी ने ये नई चीज़ लॉन्च करी है। लेकिन अब जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो हमें उसके बारे में टीवी, प्रिंट, इन चीज़ों से पहले हमें उसे ऑनलाइन हम उसके बारे में जान जाते हैं। जब भी हम मोबाइल चलाते हैं तो हम उन नए प्रोडक्ट्स की ऐड देखते हैं, जब भी हम यूट्यूब देख रहे हैं या फिर हम तरह तरह के ऐप्स आजकल यूज़ कर रहे हैं, उनके थ्रू हमें उन प्रोडक्ट्स के बारे में कहीं पहले पता चल जाता है, जबकि हम न्यूज़पेपर खोलते हैं या फिर टीवी एड्स देखते हैं। आज की कंपनियों के सोचने का ढंग और आज की यंगस्टर्स को कैप्चर करने का ढंग काफ़ी बदल गया है। आज के समय में अपने जीवन में जो भी डिजिटल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, उन चैनल्स की यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना ही डिजिटल मार्केटिंग है। अच्छा, ये तो हुई वंदना जी डिजिटल मार्केटिंग की बात की, ये है क्या आखिर। लेकिन अगर बात करें इस फील्ड में एंटर करने की, ख़ासतौर से वो ख़वातीन जो घरेलू हैं, अगर वो ये चाहती हैं कि हम इस फील्ड में चले जाएं और कुछ आमदनी का ज़रिया बनाएं इसे, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्या उन्हें कोई कोर्स करने की ज़रूरत है या किसी तरीके का स्पेशलाइजेशन उनके पास इस चीज़ का होना चाहिए, ये बताइए। डिजिटल मार्केटिंग ऐसा फील्ड है जिसमें कोई भी जा सकता है। कोई भी महिला जो घर पर है, कोई भी महिला जो इस समय पढ़ाई कर रही है,
कोई भी महिला जो अपना पोस्ट ग्रेजुएट कर रही है, जनरली अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है जी। ग्रेजुएट होना ज़रूरी है ताकि आपको चीज़ों की जो है वो नॉर्मल समझ हो। और जहाँ तक बात रही कि इसके लिए किसी कोर्स की ज़रूरत है या इस फील्ड में कैसे एंट्री करनी है, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप जाकर ये फ्री में पढ़ सकते हैं। अच्छा। वहाँ पे आप जाइए, फंडामेंटल एग्ज़ाम दीजिए, उसे पास करिए, फिर फर्स्ट फेज़ एग्ज़ाम दीजिए, सेकंड फेज़, अपनी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग के बेसिस पे आप वो एग्ज़ाम देते जाइए, और फिर आप आने वाले समय में उन कंपनियों के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं जिनकी यहाँ पर डिमांड है। ये तो हुई उन ख्वातीन की बात जो घर में हैं और वो किस तरह से इस फील्ड में आ सकती हैं। अगर अच्छा बात करें कि उन्हीं महिलाओं की, घर में रहते हुए बहुत सारी जिम्मेदारियां उन्हें निभानी पड़ती हैं, बच्चे भी होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां, और भी लोग होते हैं, तो अगर हम इस फील्ड में जा रहे हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करें, मिनिमम जो आमदनी है हमारी क्या हो सकती है? जी देखिए, जैसा कि आपने पहला सवाल पूछा कि जो घर पर हैं, जिम्मेदारियां हैं, क्या वो ये कर सकती हैं, तो आपने देखा कि अभी पैंडमिक के दौरान ज़्यादातर कंपनियां घर बैठे ही काम करवा रही थी। फिर डिजिटल मार्केटिंग है, तो मतलब डिजिटल है, आप उसे कहीं भी बैठ के कर सकती हैं, घर बैठ के अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए कर सकती हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि आपको घर बैठे ही अपनी कंपनियों की मार्केटिंग का, प्रमोशन का काम देती हैं, जो आप घर बैठ के आराम से कर सकती हैं। और शुरुआती दौर में भी आप आराम से अगर इन कोर्सेज को करती हैं तो 20,000 से 25,000 महीना आप कमा सकती हैं। वंदना जी, हम कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये देखते हैं, ऐड आते रहते हैं कि आपके लिए ये ऑफ़र है और वो ऑफ़र है, और आप घर बैठे 25,000 कमाएं, 30,000 कमाएं, लेकिन हम ना कहीं वो ट्रस्ट नहीं कर पाते कि ये सही भी है या फिर ऐसे ही फेक है, कई बार फेक भी होता है, तो कैसे हम इस चीज़ को पहचाने कि क्या हमारे लिए ठीक है, क्या ये सही कंपनी है जो हमें ऑफ़र कर रही है इस तरह के काम? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जब भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खोलते हैं, हमें बहुत सारे, और हमें, मुझे खुद भी मैसेजेस वगैरह भी आते रहते हैं, पर्सनली ऐसा लगता है कि क्या पैसे कमाना इतना आसान है कि हमें मैसेजेस आते हैं आप घर बैठिए, हर हफ्ते आप इतना कमा सकते हैं एक्स वाई जेड। लेकिन मुझे लगता है कि आँख बंद करके हमें इन मैसेजेस पे, इन एडवर्टीजमेंट्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें इन पे आगे मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इसमें खतरा भी हो सकता है, ये स्कैम भी हो सकता है, हो सकता है कि ये आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स, क्रेडेंशियल्स चुराने की कोशिश कर रहे हों। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो घर बैठे लोगों को काम देते हैं, वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हैं, आप यहाँ बैठ करके अमेरिका से भी आप ग्लोबल वर्क ले सकते हो। तो आपको थोड़ा चीज़ों के लिए सर्च करना चाहिए कि ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मुझे काम मिल सकता है और जो रिकग्नाइज्ड है, जहाँ फ्रॉड या स्कैम की कोई संभावना नहीं है, और इस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसी भी मैसेज को देख करके। अच्छा वंदना जी, डिजिटल मार्केटिंग को अगर यंग लड़कियां एक करियर के तौर पर चुनना चाहें तो उनकी जो माएँ हैं वो उन्हें कैसे सपोर्ट और एनकरेज कर सकती हैं, क्या उनके लिए ये जो फील्ड है वो सही होगा? डिजिटल मार्केटिंग ऐसा फील्ड है जिसके लिए आपको कोई ऐसी प्रायर प्राइमरी लेवल से तैयारी की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा फील्ड है जो कहीं ना कहीं आपकी रुचि पर, आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। आपको अगर रुचि है, आपके अंदर अगर क्रिएटिविटी है, आपको लगता है कि मैं कुछ नए तरीके का ऐड बना सकती हूँ, या फिर मैं अपने प्रोडक्ट को नए तरीके से प्रेजेंट कर सकती हूँ अपने ऑडियंस के सामने, या फिर आपको लगता है कि आप मल्टीमीडिया में बहुत अच्छे हो, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो इन अ पिक्चर, आप चीज़ों को अच्छे से लिख सकते हो, कंटेंट राइटिंग में अच्छे हो, आजकल हर तरह के कोर्सेज प्रेजेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स प्रेजेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम प्रेजेंट हैं, इवन MBA कोर्सेज भी अब डिजिटल मार्केटिंग में प्रेजेंट हैं। जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो दूसरे फील्ड में हैं और जो आना चाहते हैं, उनके लिए भी प्रोग्राम्स प्रेजेंट हैं। तो प्रोग्राम्स आपके इंटरमीडिएट के बाद ही शुरू हो जाते हैं। आप अगर इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, आप जाना चाहते हैं, तो आप उसे शुरू कर सकते हैं। वंदना जी, अगर बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, तो ये टेक्नोलॉजी आज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो अगर इसके मुस्तकबिल की भी बात करें तो क्या है इसका मुस्तकबिल? देखिए, मार्केटिंग ऐसी चीज़ है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, चाहे आज है, चाहे कल है, चाहे आने वाला कल होगा, मार्केटिंग तो चलती रहेगी। बस ये है कि आज के समय में जो एक एडवर्टाइज़र है, जो एक मार्केटर है,
उसके पास ऑप्शंस हैं, उसके पास सिर्फ ये ऑप्शन नहीं है कि वो पेपर में जाके अपना एड्स दे देता है या टीवी एड्स जो कि काफ़ी महंगे साबित होते हैं, तो उसके पास एक ऑप्शन है, वो कम पैसों से भी डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर सकता है, मल्टीपल ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप और बढ़ेगा और इसमें और भी नई चीज़ें आएंगी जिससे कि इसका जो करियर स्कोप है वो हमेशा बना रहेगा। नौजवान नस्ल को आपका क्या पैगाम है? मैं आने वाली जनरेशन को कहूँगी कि उनके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, ना कि जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस जो हमें हमेशा से बताया गया है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। आने वाले समय में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, ना सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें हम जा सकते हैं। तो आप अपनी रुचि को शुरू से समझिए, पहचानिए और उसके ऊपर काम करिए। अगर आप अपनी रुचि को पहचान कर उसके ऊपर काम करेंगे तो आप अपने क्षेत्र में ज़रूर ही सक्सेसफुल होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी, आपने हमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इतनी सारी जानकारी फराहम की और कुछ हमारे जो डाउट्स थे इससे रिलेटेड वो भी क्लियर किए। नाज़रीन, हम ख़वातीन अपनी घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देने की पूरी कोशिश करती हैं और हमेशा ये सोचती रहती हैं कि हमसे कोई भूल चूक ना हो जाए। घर के कामकाज में इतना ज़्यादा मगन हो जाती हैं कि वक्त कैसे चुटकी बजा के गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर उम्र का एक ऐसा पड़ाव आता है जब हमें ये महसूस होने लगता है कि काश कुछ और भी कर लिया होता तो ज़िंदगी को और ज़्यादा आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के साथ हम गुजार पाते। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी खातून से जो कि एक वर्किंग वुमेन रही हैं और अपने रिटायरमेंट के बाद भी वो काम कर रही हैं और बड़े ही जुदा से शौक को परवान चढ़ा रही हैं। कहीं ना कहीं वो हम ख्वातीन को ये पैगाम भी दे रही हैं कि हम अपनी सलाहियतों को, अपने शौक को अपने अंदर ना दबाएं, उसे बाहर निकालें और उससे हम कमा भी सकते हैं, घर बैठे पैसे का जरिया भी बना सकते हैं। तो आइए करवाते हैं आज आपकी उनसे मुलाकात। विजयलक्ष्मी कसूटिया जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया समरीन जी। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो ये आपका अलग सा शौक़ है जो कि एक तरीके से कहें कि एनवायरनमेंट से भी जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आप इस शौक़ के ज़रिए एनवायरनमेंट को भी महफूज कर रही हैं कि आप वेस्ट चीज़ों से बड़ी ही प्यारी प्यारी चीज़ें बना रही हैं, तो ये शौक़ आपके अंदर कैसे पनपा और कब पनपा? जब भी मैं कहीं रास्ते में जाऊँ तो मुझे, अब से नहीं, बहुत पहले से ही मुझे बुरा लगता था कि जगह जगह लोग पेड़ों के नीचे कुछ रख दिया या रास्ते में कहीं भी, बहुत पढ़े लिखे लोग भी ऐसा नहीं है कि वो ऐसा नहीं करते, बॉटल कुछ फेंका पिया और कहीं भी फेंक दिया, स्ट्रॉ है तो वो जरा आप मतलब पॉलिथीन लेना आप अपनी शान समझते हैं, लेकिन उसको गिराने में उसको सही जगह से वो कभी भी हम उस तरह से मतलब करते नहीं हैं, ये एक अवेयरनेस हमारे अंदर होती ही नहीं। तो मुझे लगा कि क्यों ना इन चीज़ों से मतलब वेस्टेज, क्योंकि प्लास्टिक आपको भी, हम सभी को पता है कि कम से कम 100 साल तक भी वो डिसॉल्व होगा नहीं जी। तो मैंने सबसे पहले अपने घर से ही शुरुआत की कि ये जो बॉटल्स हैं प्लास्टिक की, फेंकते थे जब घर में तो मैं उनको उठा लेती थी और उनको जमा करती थी, और फिर उसके बाद मुझे लगा कि इससे मैं क्या कर सकती हूँ, तो वो मैंने करना शुरू किया। प्लास्टिक की जो ये हैं थैलियाँ जो होती हैं, तो इनसे मैं क्या कर सकती हूँ, वो मैंने उसको अलग तरीके से शुरू किया। फिर मतलब ये शौक़ जो है ये फिर अपने आप ही बढ़ता चला गया और आज ये इस रूप में आया है। तो बस ये सफ़र फिर इसी तरह से शुरू हुआ और धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। वाकई ये आपकी बेहद नेक सोच है और पहल है, और ये हम सभी का फ़र्ज़ है कि हम अपनी नेचर को और अपने एनवायरनमेंट को महफूज रखें, साफ़ सुथरा रखें। आपने हमें अपना सफ़र तो बताया, अब आप हमें ये बताएं कि आपने वेस्ट से क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। देखिए, मैंने कई चीज़ें बनाई हैं, जैसे ये प्लास्टिक की बॉटल है तो आप इसे फेंकने के बजाय ये इसके हर तरफ, यहाँ नेचर है, ये देखिए केले का पेड़ है, ये हम ज़िंदगी से बहुत कुछ, हमारी आशाएं होती हैं लेकिन कई बार चीज़ें पूरी नहीं होती, तो उससे हमें हार नहीं माननी है। मनोज मुंतशिर का एक शेर है, ए वक्त होगा एक दिन तेरा मेरा फैसला, मेरी जीत ना जाने कब से तुझ पर उधार है।
या ये गत्ते के जो टुकड़े हैं ये उनसे जो है एक ऐसा ही चिड़िया की सिंपल सी शेप बनाई और ये वॉल पुट्टी जो होती है वो उस पर पेस्ट करके, और ये भी गत्ते का ही है इस पर भी वॉल पुट्टी करके, और ये इसे चिपका दिया गया है। तो ये बस एक देखने में भी खूबसूरत है और अपनी बनाई चीज़ का एक आपके अंदर सेटिस्फेक्शन ही एक अलग तरह की होती है। अच्छा विजय लक्ष्मी जी, ये एक बहुत ही खूबसूरत शौक़ है आपका, लेकिन अगर हम ख्वातीन ये चाहें कि इस शौक़ के ज़रिए हम घर बैठे कुछ कमाई भी कर लें तो क्या ये मुमकिन है? देखिए, जब कुछ लोगों ने देखा तो मुझे कहा कि क्यों नहीं आप इसको एग्जीबिशन में आप अपना एक स्टॉल लगाइए। तो कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था और मुझे लगता भी नहीं था कि मुझे तो इस तरह से कुछ आता नहीं है, लेकिन जो है वो मैंने पिछले साल एक एग्जीबिशन लगाई यही सब हैंडीक्राफ्ट्स, और उसका मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और उससे आय भी हुई और एक मैसेज जो था वो लोगों ने जिस तरह से मुझे अप्रिशिएट किया और तो वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी मोटिवेशन बना। और उसके बाद फिर मैंने क्रिसमस मेला वहाँ हुआ उसमें भी मैंने एक एग्जीबिशन लगाई और उसका भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत से लोग मतलब उस तरह से मुझे अब देखने लगे कि अरे वो जो प्लास्टिक की चीज़ों से बनाती हैं वो कब आएंगी। तो मतलब ये एक अच्छी लगा मुझे कि जो आपके मन में है वो कहीं दूर तक जा रहा है। और जैसे मैं आकाशवाणी में मैं वहाँ जाती हूँ अभी भी मैं काम करती हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ भी जो है मैंने अपने न्यूज़ रूम में जनरल न्यूज़ रूम में वहाँ एंट्रेंस पे मुझे मतलब मुझे उससे एक बहुत सुकून मिलता है, मुझे तसल्ली मिलती है, मुझे अच्छा लगता है कि एक आँखों को भी आपको सुकून मिले। तो अब मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि वहाँ पर जो यंग जनरेशन है तो वो लोग लाके मुझे बॉटल्स देता है कोई कि मैम इस पर आप बना दीजिए, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मतलब एक मैसेज जो है वो दूर तक जा रहा है और यंग जनरेशन तक जा रहा है। तो ये लोग जो है ये सचमुच उस राह पर चलेंगे। जयलक्ष्मी जी, आपने अभी बताया कि बहुत से नौजवान बच्चे आपके पास आते हैं और आपसे इंस्पायर होते हैं और कई चीज़ें लेकर आते हैं आपके पास वेस्ट और आपसे बोलते हैं कि इसको सजा संवार दीजिए। अगर बात करें घर बैठी उन ख्वातीन की जो और कुछ नहीं कर पाती हैं, तो उनके अंदर भी कई तरह के शौक़ होते हैं, जैसे आपका ये शौक़ है, बहुत सारी सलाहियतें होती हैं लेकिन उनको वो बाहर नहीं निकाल पाती, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, जो ख्वातीन हैं मैं तो उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि ये तो मतलब मेरा शौक़ तो बहुत मामूली सा शौक़ है, लेकिन लोगों में इतना उनके अंदर इतना जो है अंदर अलग अलग तरह का की जो है वो प्रतिभा छिपी हुई रहती है, तो कभी हम उसको एक्सप्लोर ही नहीं करते कि ऐसा हम कर सकते हैं। तो लोग बहुत बहुत अच्छी सिलाई जानती हैं, बहुत अच्छा खाना बनाना जानती हैं, बहुत अच्छा कढ़ाई जानती हैं, हाथ का कोई भी हुनर जानती हैं, तो वो मतलब देखिए जीवन जो है ये तो स्ट्रगल है और उसमें मतलब हम ये सोचें कि नहीं मुझे ये नहीं मिला और वो नहीं मिला, तो उसके बजाय हम अपने आप को एक्सप्लोर करें और जो हमारे अंदर छिपी हुई जो है हमारी प्रतिभा है तो उसको हम बाहर निकालें। तो जो हमारी ख्वातीन हैं, जो लड़कियां हैं, जो आपका हुनर है उस हुनर को जब आप बाहर निकालेंगी तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शायद वही चीज़ तलाश कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा सिलाई करती हैं तो हो सकता है वो वैसा ही डिज़ाइन तलाश कर रहे हों, तो हमें कम से कम जो है बाहर निकल के और इन चीज़ों को मतलब कोई बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही ये चीज़ें आप कर सकती हैं और इस तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म हो तो आप वहाँ पर अपनी इन चीज़ों को आप दिखा सकती हैं अपने हुनर को। विजय लक्ष्मी जी, आपने कहा कि आपका ये शौक़ बहुत मामूली है, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि ये शौक़ एक तरीके का मोटिवेशन है यंगस्टर्स के लिए और एक तरीके की पहल है कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने नेचर को महफूज कर सकते हैं और इन वेस्ट चीज़ों से इतनी खूबसूरत चीज़ें बना सकते हैं जो कि आपने अभी हमें दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें इतनी अहम जानकारी फराहम करने के लिए।
नाजरीन, हम खवातीन चाहे वर्किंग हो चाहे हाउसवाइफ, भाई किचन में तो सबको काम करना होता है, फिर चाहे सुपरविजन ही करना हो, ऊपर से घर वालों की अलग अलग तरह की फरमाइशें। वैसे हम भी रोज़ ही एक ही तरह का खाना खाते खाते ऊब जाते हैं और चाहते हैं कि हमारे टेस्ट में कुछ ट्विस्ट हो या अलग रीजन का खाना हमें खाने को मिले। पहले भी हम आपको सैलड और केक बनाने की रेसिपी बता चुके हैं। इस बार हम आपको लेकर आए हैं अभिलाषा जी के पास, जो हमारे लिए, आपके लिए और ख़ासतौर से हाउसवाइफ्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। कैसे बनी वो एक हाउसवाइफ से एक बिजनेस वुमेन, आज हम उनसे जानेंगे। साथ ही वो हमें मज़ेदार डिशेस बनाकर भी दिखाएंगी। तो चलिए करते हैं उनका खैर मकदम। आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। अभिलाषा जी, खाने का जो शौक़ है जिसे आपने परवान चढ़ाया, और ये शौक़ क्या है ना कि रिश्तों में मिठास भी घोलता है खाना बनाना और दूसरों को खिलाना, कैसे आपने ये इंस्पिरेशन ली कि आपको अपना ये शौक़ परवान चढ़ाना है और एक हाउसवाइफ से एक बिजनेस वुमन आप बन गई? मुझे मैं एक राजस्थानी मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं और हमारी जो फैमिली है वो एक बिज़नेस फैमिली है। तो अगर हम बात करें बिज़नेस की, तो वो मेरे ब्लड में ही था। मुझे कुछ अपना करना था, अपनी इच्छा थी कि अपने पैरों पे खड़ी हूँ और अपनी जो शौक़ है उसको पूरा करूँ। और मेरा शौक़ है खाना बनाना, खाना खिलाना, और ख़ुद को भी खाना खाने का शौक़ है। तो जब मैं गुड़गांव में आई, करीबन आज से 8-9 साल पहले की बात है, मेरी बेटी बड़ी हो चुकी थी और मुझे लगा कि उसको कुछ अब उतना मुझे ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है और मेरे पास काफ़ी टाइम रहने लगा। तो मैंने एक संडे को सोचा है कि क्यों ना मैं एक अपने जो खाना बनाती हूँ उसको, क्योंकि फेसबुक और ये काफ़ी एक्टिव थी मैं वहाँ पे और काफ़ी प्रचलन में भी था तब, तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि एक पेज बनाया मारवाड़ी खाना नाम से, और उस पर मैं जो भी खाना बनाती थी अपने घर में अपनी किचन में उसको उस पेज पर डालने लगी, जो थोड़े दिनों में काफ़ी फेमस हो गया, लोग उसको फॉलो करने लगे। तो एक डिमांड आई कि हमें खाना भी है, जो आप बना रहे हैं तो उसको खाना भी है। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक संडे को दाल बाटी चूरमा रखते हैं जी। जो फर्स्ट संडे हमने दाल बाटी चूरमा रखा था उसमें 40 लोगों का खाने का ऑर्डर आया, तो था वो डिफ़िकल्ट, आई मीन ऑब्वियसली इतना ईजी नहीं था, लेकिन क्योंकि मन में था कुछ करने को और इच्छा थी कुछ करने की, तो हमने उसको किया। और उसके बाद तो इट्स नॉट लुकिंग बैक, लाइक हम 40 से 4,000 लोगों को खाना खिला चुके हैं और करीबन 8 साल हो गए हैं मारवाड़ी खाने को। और इंस्पिरेशन इफ़ यू से अगर एग्जैक्टली तो मैं कहूँगी कि जब मैं फेसबुक पे देखती थी कि बहुत सारी लेडीज़ छोटे छोटे काम से, जो छोटी छोटी चीज़ें थी उनसे इतना बड़ा बड़ा काम करने लगी और अपने जो शौक़ है उनको पूरा करने लगी। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है जो आप अपने मन की इच्छा, जो आपके, जो आपको खुद को पसंद है, अगर आप वो करते हो तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है और एक हैप्पीनेस मिलती है उसका कोई अंत नहीं है। अभिलाषा जी, आपने हमें बताया कि आपने अपना ये सफ़र कहाँ से शुरू करा, भाई खाना बनाने की बातें तो हो गई, अब हम एक झलक आपको बनाते हुए देखना भी चाहेंगे। तो चलें, आज हम आपके किचन में आई रहे हैं, तो चलिए बनाकर दिखाइए। जरूर आइए। चलिए मैं आपको शाही कैर काजू की सब्जी बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले गैस ऑन कर लेंगे हम। ये घी है जो हम डालेंगे इसमें। राजस्थान के अंदर 99% सब्जियाँ घी में बनाई जाती है, घी का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। ये मैंने हींग लिए हैं, जो अभी घी गर्म हो जाएगा तो हम थोड़ा सा हींग डालेंगे। अगेन जो जैन फूड है और राजस्थानी फूड है उसके अंदर हींग का भी काफ़ी प्रयोग किया जाता है। थोड़ी सी हींग डालेंगे इसके अंदर, बहुत कम डालते हैं। जब घी सही गर्म हो जाता है तो हम थोड़ा इसमें एक चम्मच के करीब जीरा डालते हैं। ये हमने प्याज, लहसुन और हरी मिर्च का फ्रेश पेस्ट बनाया है जो हम जीरे के बाद डालेंगे इसमें।
प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन को हम थोड़ा भूनने देंगे। ये हम प्याज भुन गया है हमारा ऑलमोस्ट। इसके अंदर हम सूखे मसाले ऐड कर लेंगे, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक। इसको हम फिर हिला लेंगे एक बार, जिससे कि मसाला हमारा भुन जाए। जैसे ही मसाला भुनने लगेगा तो हम देखेंगे थोड़ा बहुत घी छोड़ने लगता है ये। अब इसमें हम जो हमने फ्राई करके काजू रखे हैं वो ऐड कर देंगे। ये जो केयर हैं ये स्पेशली राजस्थान से मंगाए हैं मैंने, और ये इनको थोड़ा सा छाछ के अंदर सोक करके रखते हैं तो इसके अंदर थोड़ा खट्टापन आ जाता है। और ये कच्चे केयर हैं, सूखे केयर भी मिलते हैं। अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। आपको पता है जब भी दही ऐड करते हैं तो उसको रेगुलर हमें हिलाना होता है, नहीं तो दही फट जाता है। देखिए कैसे क्रीमी सा टेक्सचर आ गया है दही ऐड करते ही। हल्का सा दही पकने लगेगा तब हम इसके अंदर केयर ऐड कर देंगे। देखिए ऊपर घी आने लग गया है, इसका मतलब घी भी दही भी पक गया है। अगर आपके सब चीज़ों की तैयारी है तो इस सब्जी को बनाने में 7 से 8 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा देर नहीं लगती है। अब मैं इसमें जो बॉईल किए हुए केयर हैं उनको भी ऐड कर रही हूँ। इसको 4 से 5 मिनट पकाना है जिससे केयर के अंदर भी इसका रस चला जाए जो हमने मसाले डाले हैं। देखिए ये भी पक गया है। अब इसके अंदर में मैंने घर में ही मलाई, घर की मलाई है जो रखी हुई है, उसको मैं ऐड करूंगी। इसके बाद एक बार मलाई ऐड करने के बाद हम पनीर के कुछ क्यूब्स ऐड करेंगे। देखिए लग रही है ना एकदम शाही। ऑलमोस्ट सब्जी तैयार हो चुकी है। ये हमारा शाही केयर काजू की सब्जी तैयार है। भाई इस शाही डिश की तो खुशबू बहुत ही जबरदस्त आ रही है और यकीनन इसका जायका भी बहुत अच्छा होगा। और देखिए कितनी जल्दी बन गई। आइए आप खा के देखिए, टेस्ट तो करिए। आई होप कि हमारे जो नाज़रीन है और जो ख़वातीन है ख़ास तौर से, उन्होंने बहुत जल्दी इसकी रेसिपी सीख ली होगी और इसे ट्राई भी करेंगी अपने घर पर। शुक्रिया। अभिलाषा जी बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ज़ायकेदार है। वाकई आप लोग भी इसको अपने घर पर ज़रूर बना कर देखिएगा, ख़ुद भी खाइए, अपनों को भी खिलाइए। अभिलाषा जी देखिए आज आपने हमें ये शाही डिश बनानी सिखाई है जो कि बहुत ही ज़ायकेदार है, लेकिन देखिए अगली बार हम फिर आपको जहमत देंगे क्योंकि हम कुछ और आपसे सीखना चाहते हैं राजस्थानी डिशेस के बारे में। तो अगली बार फिर आपसे होगी मुलाकात। नाज़रीन हमें पूरी उम्मीद है कि आज के हमारे इस शुमारे से आप लोग काफ़ी मोटिवेट हुए होंगे और अपनी ज़िंदगी को एक मकसद भी देंगे। तो चलिए आज का सफ़र बस यहीं तक, लेकिन मुलाकातों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अगली मर्तबा फिर होगी आपसे मुलाकात, कुछ और बातें लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।